गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आप कहानी पढ़ी सी ईयरफोन, अज आप प्रश्न उत्तर करते हैं। ये जो मेन पात्र से वह मीनाक्षी से। मीनाक्षी की अपने जेडे मम्मी पापा की गल नहीं मानती, ईयरफोन सुन तो रोकते हैं पर नहीं रुकती। पर जो हादसा वापर जाता तो उस तो बाद की समझ आ जाती है भी जे मैं ईयरफोन ना लगाती तो की सी मेरी लत ना टुटती, जे मैं आपके मम्मी पापा का कहना मान लेंदी। ठीक है, प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। आप कहते मम्मी पापा मीनाक्षी नूं किस गल तो रोकते सन। मीनाक्षी के मम्मी पापा उस नूं वधेरे ईयरफोन सुन तो रोकते सन। किस गल तो रोकते सी वधेरे? ईयरफोन सुन तो। कि मीनाक्षी ईयरफोन की वरतों करके फेल हो गई सी? मीनाक्षी ईयरफोन की वरतों करके फेल नहीं हुई सी, सगों वो इम्तिहान विचों पहले नंबर से आई सी। पास होने ते तोहफे वजो मीनाक्षी के मम्मी पापा तो कदों ते केड़ी चीज की मंग की सी? कहिंदे पास होने उपरंत मीनाक्षी ने अपने मम्मी पापा को तोहफे वजो मोबाइल फोन की मंग की सी। कहिंदे सी जब फर्स्ट आई तो मैं की है मोबाइल फोन लवांगी। मीनाक्षी की माँ उस नाल की खेडना चाहती सी? मीनाक्षी की माँ उस नाल कैरम बोर्ड खेडना चाहती सी। ज्यादा ईयरफोन सुन नाल की हुंदा है? ज्यादा ईयरफोन सुन नाल सुनन शक्ति कमजोर हुंदी है। पूनम दा बेटा सारा दिन किस नू चुंबड़िया रहिंदा सी? कहिंदे पूनम दा बेटा सारा दिन ईयरफोन नू चुंबड़िया रहिंदा सी। मीनाक्षी भी ईयरफोन ते चुंबड़ी रहिंदी सी ते पूनम दा बेटा भी सी जिहड़ा उह सारा दिन ईयरफोन ते चुंबड़िया रहिंदा सी। इत्थे पूनम कौन सी? मीनाक्षी दी जिहड़ी मम्मी सी उहदी कौन सी? सहेली सी। कहिंदे बारहवीं जमात का नतीजा आने उपरंत मम्मी पापा मीनाक्षी कित्थों लैके आए सन? बारहवीं जमात का नतीजा आने उपरंत मीनाक्षी के मम्मी पापा उसनू उसकी भूआ के घरों लैके आए सन, क्योंकि तो पेपर हो गए थे। मीनाक्षी अपनी भूआ के घर चली गई सी। मीनाक्षी की माँ का की ना सी? मीनाक्षी की माँ का ना निशा सी। बारहवीं की प्रीख्या विच्चों मीनाक्षी का की नतीजा आया? बारहवीं की प्रीख्या विच्चों मीनाक्षी फस्ट आई सी। हादसे विच मीनाक्षी दे शरीर दी केड़ी हड्डी टुटी सी? हादसे विच मीनाक्षी दे शरीर दी लत दी हड्डी टुटी सी। केड़ी लत दी? सज्जी लत दी। की तुसी आप कदे ईयरफोन दी हद तो वध वरतों कीती है? नहीं, मैं कदे भी ईयरफोन दी लोड़ तो वधेरे वरतों नहीं कीती, क्योंकि मेरे अध्यापक सानू हमेशा नसीहत दिंदे हन कि लोड़ तो वधेरे ईयरफोन की वरतों नाल साडी सुनन शक्ति कमजोर हो जाती है। कहानी विच ईयरफोन के बुरे प्रभाव दसे गए ने, कि तुसी इसके कुछ फायदे भी दस सकते हो? कोई भी चीज़ की बेटा आप ज्यादा वरतों करते हैं लाभ भी अपने होंगे ने अपने नुकसान भी होंगे ने। इन्होंने की किया? कहते नुकसान को मुख्य विषय बनाया गया कहानी के, पर कहने दे फायदे भी है। फायदे की ने? कहने जो आपको थकावट होंगी है, कहने थकावट दे जमे समय जो आप संगीत सुनना की है वधेरे लाभदायक होंदा। ठीक है, इस तो बिना बहुत मध्यम आवाज विच रिकॉर्ड की हुई आवाज नू असी आसानी नाल ईयरफोन की वरतों करके असी सुन सकते हैं। फिर कहने वीडियो कॉन्फ्रेंस समय ईयरफोन की वरतों नाल साडा ध्यान की है नहीं भटकता, असी की है एकाग्र चित होके असी पूरे ध्यान दे नाल सारा कुछ की है सुन सकते हैं, साडा आसे पासे ध्यान नहीं जाता। मीनाक्षी नाल हादसा वापरन दा की कारण सी? उसने इस घटना तो की सबक सीख्या? मीनाक्षी नाल हादसा वापरन दा मुख कारण की है? ईयरफोन दी जिहड़ी आदत सी सुनन दी भैड़ी आदत सी उहनू। कहिंदे इक दिन उह अपने मम्मी पापा नाल बाजार जांदी है कोई समान खरीदन दे लई। जदों कहिंदे उन्होंने कार पार्क करके बाजार वल जाना शुरू किया हुंदा तां मीनाक्षी ने की अपने कन्नां ते ईयरफोन लगा ले हुंदे आ, ते ईयरफोन लगा के कहिंदे जो सड़क पार कर लगती है तो वह आसे पासे की है कोई आवाज है जिहड़ी वह की है सुनाई नहीं दिंदी, ते उहदे नाल मोटरसाइकिल नाल की है उहदी टक्कर हो जाती है, जिस करके उहदी की है सज्जी लत टुट जाती है। वह इस हादसे कारण पूरे तीन महीने कहिंदे बिस्तरे ते पई रहिंदी है, ते फिर उह आप जिहड़ी भैड़ी आदत ते की है बहुत पछतावा हुंदा। मीनाक्षी किहो जिही कुड़ी सी? कहिंदे मीनाक्षी अपने मापिआं दी इकलौती धी सी। वह पढ़ाई विच बहुत होशियार सी पर वह जिद्दी भी बहुत सी। वह अपनी गल नू वधेरे अहमियत दिंदी सी। वह ईयरफोन की वधेरे वरतों करदी सी।
जिस कारण उस नाल हादसा भी वापरिया जिस विचो बच जाती है पर लंबे समय ले की वह बिस्तरे ते पई रहती है। कहने मीनाक्षी ने मापिया तो माफी क्यों मंगी, मीनाक्षी ने अपने मम्मी पापा तो क्यों माफी मंगी सी, जो कहने अपनी जन्मदिन की तैयारी लई मीनाक्षी मम्मी पापा नाल बाजार जाती है, सड़क पार करन दे दौरान की है ओहदे मम्मी पापा तो पिछे रह जाती है, ठीक है, एक उहने की है ईयरफोन लगाए हुंदे आ आसे पासे दी नूं आवाज सुनाई नहीं दिंदी, ठीक है, अपनी इस आदत कारण की है कहिंदे उहदा एक्सीडेंट हो जाता जिस करके उहदी सज्जी लत्त टुट जाती है, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਅਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ ਈਅਰਫੋਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਅਰਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਢ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਈਅਰਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।